जाएगा। गाइज अभी हम लोग हैं इंडिया के रेन फॉरेस्ट में खोलने के लिए एशिया का सबसे बिगेस्ट कैट फैमिली में जो एक मेंबर है इंडियन लेपर्ड या उसे लेपर्ड भी बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इंट्रो मैंने बहुत दिन के बाद बोला है। गाइज ये जो लेपर्ड होते हैं ये ज्यादातर इंडिया अफ्रीका और ईस्टर्न अफ्रीका में पाए जाते हैं और चाइना में भी। और गाइज मैं जो लेपर्ड को खोजूंगा तो मैं इस टाइम पे नहीं खोजूंगा कि वो रेस्ट कर रहा हो या सोया हुआ हो, मैं उसे खोजूंगा उसके शिकार के टाइम जब वो शिकार कर रहा होगा। इसलिए मैंने रात का टाइम चुना क्योंकि वो लोग रात ही में निकलते हैं अपनी शिकार के लिए। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और गाइस सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि क्या मैं उसे खोज पाऊंगा, क्या मैं उस आई डोंट नो। And a half hours later. और गाइस ये जो लेपर्ड होते हैं ये अपना ज्यादातर टाइम पेड़ और गुफाओं में बिताते हैं। और मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया कि अभी मैं जिस इलाके में हूँ वहाँ पे अभी लेपर्ड का ही है ये इलाका लेपर्ड का ही है जितना मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे आसपास पेड़ है, देख सकते हैं आप कितने सारे पेड़ है। देखिए कितने सारे, और आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, देखिए कितने सारे पेड़ हैं। और मुझे वहां पे किसी चीज का झुंड दिख रहा है। तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। क्या वो आप लोग को दिख रहा है? गाइस मैं कितना बड़ा पागल हूँ क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा अंधेरा है तो आप लोग को दिखेगा कैसे। 12 o'clock midnight। बहुत देर हो चुकी है, अभी तक लेपर्ड नहीं आया। गाइस वो क्या है वहाँ पे, लेपर्ड ने एक डियर को पकड़ा है, वो एक लेपर्ड ही है। जल्दी मेरे पीछे आइए। वहाँ पे थोड़ा और पीछे आओ, जल्दी आओ। देखिए ये क्या है, दिखो जल्दी, ये एक लेपर्ड है, देख सकते हैं आप। मैं तेरा ढोकला पन्ना उतार दूंगा। कितना बड़ा ओ ये तो बहुत छोटा लेपर्ड है, ये एक बेबी लेपर्ड है। ये लेपर्ड इतने खतरनाक होते हैं कि ये इंसानों को भी कच्चा चबा जाए। इस टाइप के लेपर्ड्स बहुत, गाइस देखिए ये कैसा बेबी इम्पाला को लिया हुआ है, देख सकते हैं आप, ये एक बहुत सुंदर लेपर्ड। और गाइस ये जो लेपर्ड है ये अपने शिकार को कैसे गर्दन के साइड पकड़ा हुआ है, आप देखिए फिर से उसे, और लगता है ये मर चुका है, ये डियर, ये बेबी डियर है, बहुत छोटा या मीडियम साइज का ये लेपर्ड है। और ये जो लेपर्ड होता है गाइस ये लेपर्ड 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागते हैं। और इन लेपर्ड में एक खासियत है कि ये अपने शिकार को यहाँ नहीं खाएगा, ये मुझे लगता है ये उसे पेड़ पे ले जाके आराम से खाएगा, क्योंकि अगर यहाँ खाएगा तो कोई भी बड़ा जानवर इसे छीन सकता है, शेर छीन सकता है या लकड़बग्घा के झुंड में इसे छीन सकते हैं इसका, तो ये इसे ले जाएगा, देख सकते हैं। और इनका जो मुख्य आहार होता है वो होता है ये बेबी इम्पाला, तो आप देख पा रहे हैं, और ये लेपर्ड बबून बर्ड्स और फिश खाते हैं। और कितने लोग तो क्या बोलते हैं जैगुआर और लेपर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो दोनों इसे एक ही समझ जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो जैगुआर होते हैं ना उनके जो स्पॉट्स होते हैं जो आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, उनके बीच में व्हाइट होता है, और जो लेपर्ड होते हैं उनके स्पॉट ब्लैक होता है, उनके बीच में ब्राउन रहता है। तो ये होता है एक डिफरेंस जिससे कि आप पता कर सकते हैं। और ये एक अडल्ट है, हम यहाँ पे एक बड़े और खतरनाक लेपर्ड को खोजने आए थे, लेकिन ये हमें बच्चा मिला, ये कम से कम 1-2 साल का होगा, लेकिन इसने छोटा शिकार ही किया है, बहुत अच्छी बात है। और मैं अब इसकी फोटो लूंगा, देख सकते हैं, एक हाथ से कैमरा दूसरे हाथ से फोटो बहुत मुश्किल है, ले लेता हूँ एक और पोज़।